मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी हफ्ते पहली बार उत्तर कोरिया जाने वाले हैं, जहां पिछले 14 साल में चीनी नेता की उत्तर कोरिया की यह पहली यात्रा होगी। और इस संबंध में बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के मनोबल को बढ़ाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले सप्ताह से अमेरिका में गलत तरीके से घुसे शरणार्थियों को बाहर निकालना शुरू करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि जितनी जल्दी वे घुसे थे उतनी ही फुर्ती से उन्हें हटा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की याचिका शुक्रवार को दायर की गयी थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मैनपुर से सांसद मुलायम सिंह यादव आज मंगलवार को व्हीलचेयर पर लोकसभा पहुंचे और उन्हें उनके खराब स्वास्थ्य के कारण क्रम से पहले निचले सदन की सदस्यता के लिए शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को उनके पुत्र और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव व्हीलचेयर पर बिठाकर निचले सदन में लेकर आए थे। खबर है कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल का नेता पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी को बनाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका फैसला आज बैठक में हुआ है, जो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर चल रही थी। यूपी की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने निजी हज टूर ऑपरेटरों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके सोमवार तक जवाब मांगा है। इस याचिका में निजी हज टूर ऑपरेटरों ने कहा है कि नई हज नीति में लोगों को सरकारी दरों पर यात्रा कराने से उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करने वाली है। राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बिरला के नाम पर 10 पार्टियों ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम इसलिए बन गए क्योंकि कांग्रेस ने गणतंत्र को मजबूत किया है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम सोमवार को जयपुर जिले के खानपुर कला गांव में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर को संबोधित करते हुए ये बयान दिए। रायपुर रेलवे मंडल अंतर्गत छोटे स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रायपुर रेलवे मंडल द्वारा जल्द ही 24 अन्य स्टेशनों पर यात्रियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जम्मू में पर्यटकों को लुभाने के लिए धार्मिक स्थल पीर खोह को केवल कार प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे शुरू कर देने की उम्मीद है। और इसके साथ ही 2 सालों से लटकी हुई पार्किंग परियोजना के आरम्भ होने के भी आसार बन गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रांची में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर झारखंड में तैयारियां जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब 2 हफ्ता से भी कम का समय रह गया है, जहां यात्रा के दौरान अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। और इस बीच सीआरपीएफ ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह यात्रा के दौरान साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें और साथ ही कपड़े और कागज से बने थैले का ही प्रयोग करें। बीजू जनता दल ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रति अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीजद ने संसदीय दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया। खबर है कि Redmi K20 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस संबंध में Xiaomi ने सोशल मीडिया पर एक टीजर इमेज पोस्ट की है, जिसमें K20 Pro को दुनिया का सबसे फास्ट फोन बताया गया है।
एक रिसर्च में इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं या टीवी ऑन करके सो जाते हैं या फिर लाइट जला कर सोते हैं तो यह आपकी फिटनेस के लिए सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च में बताया गया है कि कृत्रिम रोशनी लोगों के मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है जिससे वजन और मोटापा बढ़ता है और कई दूसरी तरह की समस्याएं भी बढ़ सकती है। रोजर मार्टिनेज और डुवान जपाटा के गोल के दम पर कोलंबिया ने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को 2-0 से हरा दिया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे, जहां खबर है कि बिग बी फिल्म गुलाबो सिताबो की शूटिंग करने के लिए लखनऊ आए हैं और वह करीब एक माह तक लखनऊ में शूटिंग करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 19 जून से फिल्म गुलाबो सिताबो की शूटिंग शुरू होने जा रही है। अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल के बेटे करण देओल फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में जल्द ही एंट्री करने जा रहे हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर खबर थी कि यह फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उसके मुताबिक करण देओल की यह फिल्म 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जहां सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जेपी नड्डा के नाम पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि आगामी संगठन के चुनाव जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होंगे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है। इससे दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सूत्रों की माने तो राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिड़ला अगले लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं। आपको बता दें कि ओम बिड़ला कोटा से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और साथ में वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। राजधानी दिल्ली में आज से ऑटो रिक्शा का बढ़ा हुआ किराया लागू हो गया है, जिसके कारण आज से ऑटो से सफर करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। आपको बता दें कि आज से यात्रियों को न केवल शुरुआती किराया बल्कि कई मदों में ज्यादा किराया का भुगतान करना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या के 970 करोड़ होने की संभावना है। इसके साथ ही रिपोर्ट में वर्ष 2027 तक भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 2 दर्जन से अधिक 2018 बैच के प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की याचिकाओं पर केंद्र सरकार से कैडर आवंटन नीति 2017 पर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि इन लोगों ने याचिकाओं में अपने 20 सहयोगियों की भांति सरकार की कैडर आवंटन स्कीम में समानता की मांग की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी बारिश की आशंका व्यक्त की है। आपको बता दें कि वहीं आज सुबह से देहरादून व आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे और मौसम सुहावना बना रहा। सोमवार को डॉक्टरों की हड़ताल के बाद आज मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 98,000 वकील इस हड़ताल में शामिल है। आपको बता दें कि ये लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार उछाल के साथ खुले। आज सुबह 9:17 पर एनएससी का निफ्टी 33.80 अंकों की बढ़त के साथ 11,706 के स्तर पर था, तो वहीं बीएससी का सेंसेक्स भी 114.52 अंकों की तेजी के साथ 39,075.31 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। एनआईटी हमीरपुर के एक छात्र को उत्तर भारत के अब तक के सबसे बड़े 1.25 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी मिली है। दरअसल अमेरिका की नामी मल्टीनेशनल कंपनी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर परम सिंह को 1.20 करोड़ सालाना पैकेज का ऑफर लेटर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले इन्वेस्टर समिट में एमओयू करने वाले निवेशकों के 70,000 करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं के दूसरे चरण में शिलान्यास की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लगातार 4थी बार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन शपथ लेने के बाद वह संसद पंजिका पर हस्ताक्षर करना भूल गए। अधिकारियों और कई सांसदों द्वारा याद दिलाए जाने के बाद राहुल ने हस्ताक्षर किए। राहुल केरल के वायनाड से संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी द्वारा हड़ताली डॉक्टरों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के कदम उठाने का आश्वासन देने के बाद डॉक्टरों ने हफ्ते भर से चल रही हड़ताल को सोमवार रात को समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर अपने साथ हुए बुरे व्यवहार को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे।
टीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ई पेद्दी रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही भाजपा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि टीडीपी के महासचिव रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात ने होमुर्ज जल संधि क्षेत्र में बाधाओं के बावजूद भारत को तेल एवं एलजीपी की अबाध आपूर्ति करने का भरोसा दिया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि संसाधनों के यथासंभव अधिकतम उपयोग यानी पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था में अगले 5 से 7 वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियां सृजित होने तथा लाखों नए उद्यमियों के तैयार होने की क्षमता है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उस दौरान सीएम ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में करने का रेल मंत्री से अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने सोमवार को दावा किया कि प्रदेश में उनके 6 माह के कार्यकाल में प्रदेश की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार से उन्हें प्रदेश आर्थिक बदहाली की हालत में मिला था। रेलवे ने अपने महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके अधिकारी अपने सरकारी दौरों के लिए ट्रेन से यात्रा करें और कोचों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपे। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसे अधिकारियों को यात्रियों के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत बदस्तूर जारी है, जिससे पिछले 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसके तहत आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 69.93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं यहां प्रति लीटर डीजल 63.84 रुपए का है। जी हाँ, तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें। अब उनके लिए अच्छी खबरें जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और उस पर अमल कीजिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी न्यू दिल्ली में। यहाँ पदों की संख्या 61 है। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 1 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार MBBS के साथ DNB डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 55,000 से 70,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.bsamch.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप न्यू दिल्ली में नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन जयपुर में। यहाँ पदों की संख्या 2,500 है और पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 2 जुलाई 2019। आवेदक की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी GNM या नर्सिंग में BSc होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 40,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.nrhmrajasthan.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई में। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 80 है। पद का नाम है रजिस्ट्रार। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 31 जून 2019। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार MBBS और डिप्लोमा होना चाहिए। मासिक आय 15,600 से 20,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.salecareers.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप घबराइए मत, क्योंकि एम्स जोधपुर ने भी भर्ती निकाली है। तो अब ये नौकरी पाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए। यहाँ पदों की संख्या 131 है। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 3 जुलाई 2019। आवेदक की आयु 23 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास MS DM MD DNB डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। पे स्केल 55,650। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.aimsjodhpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप नेशनल हेल्थ मिशन मेघालय ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 80 है, पद का नाम है नर्स। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 24 जून 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को कम्युनिटी हेल्थ में नर्स, 6 माह का ब्रिज प्रोग्राम होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.nrhmmeghalaya.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नर्स नहीं बनना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी है टेरिटोरियल आर्मी में। यहाँ पदों की संख्या 19 है, पद का नाम है ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 25 जून 2019। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। मासिक आय उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 50,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.jointerritorialarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली बड़ी वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में। यहाँ पदों की संख्या 102 है, पद का नाम है फैकल्टी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 9 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को केमिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी प्रासंगिक क्षेत्र में PhD, ME, MTech होना चाहिए। आवेदक की आयु 30 से 45 होनी चाहिए। पे स्केल 44,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.nitc.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 200 है, पद का नाम है Grade 3। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 जून 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास लॉ में डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 32 होनी चाहिए। पे स्केल 36,900 से 50,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.ghconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और अगली नौकरी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC में। यहाँ पदों की संख्या 150 है, पद का नाम है JE। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 8 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 45 होनी चाहिए। पे स्केल 45,600 से 59,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बम्पर वैकेंसी है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में। यहाँ पदों की संख्या 200 है, पद का नाम है SI। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है इन पदों हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 31,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।